सो भाई लोग यार मेरे को नहीं मालूम एक गेमिंग चैनल पे ये वीडियो डालना सही रहेगा या नहीं। जागो ग्राहक जागो, भागो बेर चोर भागो। हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक गेमर गेमिंग। गाइस जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो यार, और बिल नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ये भाई मैसेज करते रहते हैं कि भाई वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं है भाई, तो थोड़ी इशू वो चल रही है इसके वजह से, मतलब वीडियो नहीं आ पा रही, इसके लिए सॉरी गाइस। तो ये वीडियो ना मैं किसी के कहने पे मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ, ये करण है। तो भाई करण सर जो करण भाई है चूतिया लौंडा है, अच्छा लौंडा है जो भी है। तो भाई उसने ना सवेरे सवेरे एक सा वीडियो देख लिया अनग्रेजुएट गेमर का, और बोल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करके मतलब चूतिया ही, मतलब लॉन्डो को चूतिया, ग्रेमर को चूतिया बनाया जा रहा है। भाई अगर मतलब वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, उसके हाल फिलहाल का वीडियो पे उसके व्यूज नहीं आया था, ये वो दिस दैट करके ऐसा कुछ सीन करके वो कुछ अलग सा क्रिएट करके वो आपको दिखाना चाहता है इस, और उसके वजह से वो व्यूज लाइक और सब्सक्राइब गेन करना चाहता है, तो ऐसा कुछ सीन है। चक्कर चला दोनों का। मैंने भी जाके उसका वीडियो देखा, तो भाई इस वीडियो में ये था कि एक लौंडा है और जिसका बाप ने, जिसके पापा ने, सॉरी यार मतलब किसी के बारे में ऐसा उल्टा सुल्टा नहीं बोलते भाई, तो उसके पापा ने एक 20 लाख का मतलब मकान किराए पे लिया, और इसके बाद धीरे धीरे किस्तों में उसका भरने का, तो जब मतलब 5-6 लाख का किस्त भर दिया उसने, तो इसके बाद उससे नहीं हो पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन था यार। लॉकडाउन के वजह से बहुत लोगों की जॉब वगैरह चली गई, ये बात मानने वाली है ठीक है। तो चलो गाइस यहां तक बात सही कि हाँ भाई, तो उसने मतलब उसने मैसेज किया भाई, वो एक बंदा यार, हम लोग अगर किसी यूट्यूबर, अच्छे खासे यूट्यूबर को मैसेज करे तो कसम से भाई वो मैसेज कभी सीन ही नहीं होता। क्या करूं मैं, क्या अगर फिजिकली हो सकता है तो अपनी गान खुद फाड़ दो प्लीज यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, कभी सीन नहीं होता है, ये चीज आप देख लेना, अब करके देख लेना किसी भी चीज पे, अगर गलत चीज के लिए कर दो एक बार कि भाई बंदा रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। भाई देगा ही नहीं कि उसके पास लाखों में कमेंट आते हैं, अगर लाख नहीं तो भाई 100, 200, 1000, 2000 कमेंट आएंगे, इतना पढ़ने का टाइम किसके पास होता है यार। भाई जो बंदा गेमर है और बोल रहा है कि मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, तो भाई ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वीडियो बनाएगा, गेम खेलेगा और इसके बाद यूट्यूब पे अपना इधर उधर देखेगा, तो गाइस इसके बाद भाई उसका खुद का स्टडी रहता है, इसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं बचता कमेंट वगैरह पढ़ने का, और कोई गाइस कमेंट नहीं पढ़ता, और इंस्टाग्राम का तो भूल कर भी नहीं। और हाँ, अगर इसी में अगर कोई लौंडिया मैसेज कर दे तो भाई तो उसका तो डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो गाइस बकचोदी को करते हैं साइड और करते हैं बात जो सही है। तो कुछ करता ही नहीं है, घुसाती भी मैं हूँ, हिलाती भी मैं हूँ, निकलवाती भी मैं हूँ, जो होता गया लड़कों के पास एक लंड, उसके दम पे इतने नखरे। तो भाई हुआ ये बात कुछ ऐसी सी है कि भाई उसके पापा ने ना एक 20 लाख का घर किराए पे ले लिया, मतलब किराए पे नहीं गाइस, उसका ईएमआई पे ले लिया गाइस, और धीरे धीरे 5-6 लाख तक उसने फिलअप कर दिए। इसके बाद कुछ ऐसा सीन आया कि लॉकडाउन के वजह से उसका जॉब वो चला गया और वो किस्त नहीं भर पाया, मतलब अगला जो मतलब जो किस्त होता है, जो अगला ईएमआई होता है, जो भी उसका मतलब 10,000, 20,000 का या 30,000 का ऐसा होगा, तो वो नहीं भर पाया। क्या कर रहा है यार, क्या गाइस, तो इसके वजह से उसके पापा ने सुसाइड करने का ट्राई किया, मतलब जाके, तो भाई गलत बात है यार। यार मुश्किलों में ना लड़ना चाहिए, मुश्किलों से दूर नहीं भागना चाहिए, पहला चीज। चलो गाइस उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल दिल से सपोर्ट करेंगे उसके लिए, और दुआ करेंगे कि वो उसका मतलब सिचुएशन सही हो जाए भाई। बट एक चीज मेरे को हजम नहीं हो रही, उस लौंडा जो उसका छोटा लौंडा है, मतलब जो 10 क्लास में पढ़ता है, वो एक गेमर है और गेमर के साथ साथ यूट्यूबर भी है, तो भाई मान सकता हूँ यूट्यूबर होगा, गेमर भाई, भाई जिसके पास 2 फिंगर नहीं है वो कैसे गेम खेल सकता है, ये इम्पॉसिबल है गाइस, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हर दिन भाई पॉसिबल है ना, कुछ दिन के बाद यूट्यूबर बोलेंगे कि ये प्लेयर लंड से गेम खेलता है, इसे सपोर्ट करो, ये लंड प्लेयर है, ये फ्री फायर में आम बात है, लोग लंड से भी कट फ्री फायर खेलेंगे, आजकल तो सब पॉसिबल है ना, इसीलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चाहते हो उस लौंडे को सपोर्ट करना चाहते हो तो करो यार, लेकिन दिल से करो यार, ऐसे मतलब भीख भीख मांग के गलत चीज अफवाह फैला के, तो भाई ये तो मैं जानता हूँ कि पिछले बार गैस, हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ गैस, पिछले बार की बात बता रहा हूँ, एक भाई प्रैंक वीडियो वाले ने एक मतलब यहाँ दिल्ली में एक रेडी वाले, मतलब जो ठेला पे जो खाना वाना बनाते हो, उसके नाम से भाई पैसे ले लिए और बंदे को 2 लाख दे दिए, 20 लाख का उसका मतलब
प्रॉफिट आया उसमें से 2 लाख रुपया दे दिया नहीं दिया पता नहीं गाइस, और उसी में बोला कि ऐसे ऐसे। तो भाई किस पे बिलीव करे, यूट्यूबरों पे बिलीव करे? तुम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हो? मैं तो गान मराना चाहता हूँ, मुझे पेट्रोल भी पीने का बहुत मन होता है। ऐसे वैसे यूट्यूबर पे बिलीव करे यार, ये तो गलत बात है ना यार। अगर सीधा भाई अगर वो बंदे के पास प्रॉब्लम है तो उसके बोलो ना उसको खुद का एक वीडियो बना के मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। भाई सब हेल्प करता है यार, ऐसे तो नहीं है कि कोई नहीं हेल्प करता है। भाई तुम्हें कैसे चुना और तुमने कमेंट कैसे पढ़ लिया? तो भाई ये सब सीन है। तो गाइस ऐसे चुतियापो से दूर रहो और इसको ना पहले जाके अनसब्सक्राइब करो ये अनग्रेजुएट गेमर को। और भाई अगर आपको अगर आप लोग इसके कांटेक्ट के मतलब अगल बगल के हो, अगर आपको लगता है कि मतलब ये बात सही है तो भाई मुझे भी बोलो, मैं भी सपोर्ट करूंगा गाइस, दिल से सपोर्ट करूंगा। और भाई ये दिखावे वाला सपोर्ट होता है ना बिल्कुल चूतियापा होता है, सपोर्ट कम और मतलब अपना जो होता है ना बिजनेस बढ़ाना उसको बोलते हैं ये दिखावा सपोर्ट ना भाई। अनग्रेजुएट गेमर मत करो यार, बिल्कुल बकवास है यार ये। चलो गाइस छोड़ो यार, करते हो बकचोदी को बंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार फिर से किसी और को पेलेंगे गाइस, अभी के लिए बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मेरे चैनल को यार गरीबों वाला चैनल है तो उसको जाके सब्सक्राइब करो। और कसम से गाइस मतलब पहले छानबीन करो कि बंदा सही बोल रहा है या गलत बात, फिर जाके उसको सपोर्ट करो। नहीं तो भाई जो बंदा भाई जिसको सपोर्ट चाहिए उसको सपोर्ट मिल नहीं पाता और ये साले फालतू में पैसे ऐंठ के चले जाते हैं, तुम्हें चूतिया बना के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से यार दूर रहना, बहुत दूर रहना। और मेरी यही प्रार्थना है कि तुम लोग दूर रहो यार। चलो बाबा।